हे गाइस बैक विद द न्यू वीडियो। क्रिटिसिज्म का मुकाबला कैसे करें? आज का मौजू है हमारे स्कूल और तलीमी इदारों में तलीम और डिग्री तो दी जाती है लेकिन ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी महारतें नहीं सिखाते। तारीख इस बात पर गवाह है कि दुनिया में नेक और बद, लीडर और आलम, हर एक को बुरा भला ज़रूर कहा गया लेकिन ये तनकीद उन बड़े लोगों के रस्ते की रुकावट नहीं बन सकी। इससे भी हैरान कन बात यह है कि उनके पास दिल भी थे और उनका दिल टूट भी जाता था लेकिन ये लोग तनकीद का सामना करने की सलाहियत से खूब वाकफ थे। कुछ सलाहियतें पैदाइशी होती हैं, ये खास लोगों को मिलती हैं और कुछ सलाहियतें पैदा की जा सकती हैं और पैदा इस वक्त होंगी जब कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल के साथ चाहे तो किसी भी सलाहियत को मेहनत करके अपने अंदर पैदा कर सकता है। अब मैं आपको 6 तजवीज़ ऐसी अर्ज़ करता हूँ जिन पर अमल करके आप तनकीदों का मुकाबला कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने आप को पहचानें, अपनी खूबियों और खामियों पर नज़र रखें, अपनी खामियों को खूबियों में बदलने की कोशिश करें। नंबर 2, किसी की तनकीद को आप अहमियत ना दें। नंबर 3, हमेशा अच्छे लोगों की राय को जहन नशीन रखें और उन्हें बार बार दोहराते और याद करते रहें। नंबर 4, तनकीद करने वालों की फितरत तनकीद करना है, आप उनको छोड़ दें और उनकी वजह से अपने आप को ना बदलें। नंबर 5, आप बड़ा सोचें, छोटे झगड़ों में ना पड़ें क्योंकि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। नंबर 6, आप अच्छे लोगों की मजलिस अख्तियार करें क्योंकि अच्छा काम करने वालों पर तनकीद का असर कम होता है। अब आखिर में तवज्जो तलब बात यह है, कभी भी किसी की तनकीद आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है क्योंकि तनकीद का कोई फ़ायदा हो या ना हो लेकिन एक फायदा सारे मानते हैं कि यह आपके अंदर सोए हुए एहसास को जगाती है क्योंकि जिसको एहसास ना जगाए उसको कौन जगा सकता है। गाइस आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें।